नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान चालू है और बिहार के कुल 17 जिलों में 94 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया की जा रही है। और ऐसी कड़ी में पटना की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बिहार के अन्य जिलों की तस्वीरें सबसे पहले आपको हम कई वीडियो में दिखा चुके हैं, अब आपको पटना की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे माराबरी देवी के साथ। वहीं चिराग पासवान ने भी वोट दिया और उसके साथ ही हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीर है सीएम नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार भी वोट डालने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं और कुछ इस अंदाज में आप तस्वीरें देखिए। नीतीश कुमार आते हैं और वोट डालने के बाद किस तरह से उंगली का निशान दिखाते हुए लोगों से भी एक संदेश देते हैं और कहते हैं कि मतदान जरूरी है, हर किसी को करना चाहिए। सभी दिग्गज पटना में जितने भी मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है, जिस भी विधानसभा क्षेत्र में जिनका मतदान होना है, सभी दिग्गज बारी बारी से अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार लाइव सिटीज भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे संवाददाता सभी जिलों में मौजूद हैं जहां जहां भी विधानसभा का ये दूसरा चरण का चुनाव हो रहा है और ऐसे में पटना में भी लाइव सिटीज के संवाददाता आलोक सभी जगहों पर मौजूद है और जो भी मतदान केंद्र तक पहुंच रहा है उसकी लाइव तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। आप तस्वीरों में जैसा कि देख सकते हैं नीतीश कुमार गाड़ी से आते हैं और गाड़ी वोट देने के बाद जिस प्रकार से नीतीश कुमार निकल रहे हैं, जिस उंगली से उनको निशान है, जिस उंगली पर निशान है उस निशान को दिखाते हुए लोगों को साफ संदेश दे रहे हैं कि मतदान कितना करना कितना आवश्यक है। आप तस्वीरें देखिए, जब नीतीश कुमार वोट डालने पहुंचे थे तो यहां पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी। पत्रकारों से घिरे हुए नीतीश कुमार ने वोट दिया और वोट देने के बाद अपने गाड़ी में बैठकर वहां से चलते बने और इसके साथ ही लोगों को एक मैसेज दिया और कहा कि वोट करना उतना ही जरूरी है जितना कि आपके लिए खाना खाना। सबसे पहले देखिए सीएम नीतीश कुमार जब वोट डालने पहुंचे तो वहां कैसा नजारा था, हमारे संवाददाता आलोक से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए 94 सीटों पर आज धुआंधार वोटिंग हो रही है, ऐसे में सभी लोग इस लोकतंत्र के महापर्व को मजबूत करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। राज्यपाल फागू चौहान हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो भी मतदान करने पहुंचे हैं। तस्वीर देखिए किस तरीके से इसी मतदान केंद्र पर अभी से थोड़ी देर पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना वोट डालने पहुंचे थे। आज दूसरे चरण का मतदान होना है, तीन चरणों के मतदान की प्रक्रिया में से आज दूसरे चरण का मतदान है। 7 नवंबर को तीसरे चरण का मतदान होगा। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी से अपील की है कि वह बढ़ चढ़ कर इस वोटिंग में हिस्सा लें। कोरोना संकट का दौर है, ऐसे में आप मास्क जरूर लगाएं। तस्वीरें आप लगातार देख रहे होंगे, वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हों या पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हों, सभी ने वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आप तमाम तस्वीरें जो हैं वो लाइव स्ट्रीम के माध्यम से देख रहे होंगे।